दिल्ली में दिल दहला देने वाली घटना घटी थी, जिससे एक युवती को गैंगरेप का शिकार बनाया गया था। पीड़ित युवती के दर्द ने सभी भारतीयों को झकझोर दिया, मानो सभी भारतीयों को एक झटके में नींद से उठा दिया। फिर जो हुआ वो हम सब ने देखा, लेकिन पीड़ित युवती जिंदगी से लड़ते लड़ते हार गई, मगर जाते जाते वो सभी भारतीयों के दिलों में एक छाप छोड़ गई है। यही वजह रही है कि सभी भारतीय नागरिकों ने पीड़ित युवती को श्रद्धा सुमन अर्पित किए। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने भी पीड़ित युवती को श्रद्धांजलि अर्पित की। ये मुंबईकर्स एक साथ आए हैं कंडोल करने, अपना दुख प्रकट करने, क्योंकि हमें बहुत दुख है कि हमारी बच्ची नहीं रही। बहुत आशाएं थी, बहुत प्रार्थनाएं थी कि बच्ची हमारी बच जाए, लौट आए। ये दुख व्यक्त करने के लिए आज हम लोग मिले हैं। इस देश में सजा तुरंत नहीं मिलती, सालों साल निकल जाते हैं, डेकेड्स निकल जाती हैं। इसीलिए लोग इतने निर्भय हो गए हैं, इसीलिए लोगों को लगता है कि वो गलत से गलत काम करके बच सकते हैं, और इसीलिए ये क्राइम बढ़ती जा रही है। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि फास्ट ट्रैक कोर्ट बिठाए जाएं और ऐसे हर केस को इमिडिएटली सज़ा सुनाई जाए, ताकि लोग ये करने से डरें, लोगों में एक भय पैदा हुए, क्योंकि ये एक तुरंत तरीका है इस क्राइम को कम करने का। यहाँ तक कि सभी पार्टियों के सदस्यों ने भी सरकार की नीतियों पर जमकर हल्ला बोला है। मनमोहन सिंह, मनमोहन सिंह, दिल्ली पुलिस मंत्री शीला दीक्षित, सोनिया गांधी, सोनिया गांधी, मनमोहन सिंह, अपराधियों को, अपराधियों को, अपराधियों को, बीजेपी ने धरना आयोजित कर केंद्र सरकार की नीतियों पर निशाना साधा। बीजेपी ने साफ आरोप लगाया है कि चारों तरफ हो रहे विरोध के बावजूद पीड़ित युवती के इलाज में देरी की गई। अगर देश में इलाज संभव नहीं था तो पहले क्यों नहीं उसे विदेश भेजा गया। ये सरकार ने जनता की आंखों में धूल झोंकने के लिए, जनता को गुमराह करने के लिए, देश की जनता के साथ विश्वासघात करने के लिए, और ये गंभीर अपराध हुआ है। इस कांग्रेस ने पूरी जनता को गुमराह करने के लिए, जो मरीज, कोई भी मरीज हो, उसको हवाई जहाज में 35-40 हज़ार आकाश में नहीं भेजा जाता, उसके बचने की उम्मीद खत्म हो जाती है। एक गंभीर पेशेंट को आप इतनी ऊंचाइयों से सिंगापुर भेजते हैं, ये मेरा पूरा मानना है कि डॉक्टरों की सलाह के विरुद्ध में हुआ होगा। अगर डॉक्टरों ने भी हाँ भरी है तो वो सरकारी नौकर है सफदरजंग हॉस्पिटल में, इसलिए उन्होंने सरकार के दबाव में हाँ भरा होगा, पर डॉक्टरों की इच्छा के विरुद्ध सिंगापुर में भेजा है। और अभी क्या बोल रहे, सिंगापुर के एलिजाबेथ हॉस्पिटल में उसकी मृत्यु हुई। मतलब अगर आपका इलाज कराना था तो उनको सिंगापुर के डॉक्टरों को, अमेरिका के डॉक्टरों को, इंग्लैंड के डॉक्टरों को दिल्ली में बुला सकते थे। अगर आप सीरियस होते तो इसको आज अमेरिका, इंग्लैंड, सिंगापुर 14 दिन हो गए, 10 दिन पहले भेज सकते थे। और नहीं, इनकी बुद्धि को जंग लग गया है, इनको एक तरह से जनता को धोखा देना। और जिस तरह से उन्होंने रायसीना हिल पे, गेट ऑफ इंडिया पे, विद्यार्थियों पे, महिलाओं पर, बच्चों पर, युवकों पर जिस तरह से लाठी चार्ज किया, जिस तरह से पानी के फवारे छोड़े, जिस तरह आंसू के टियर गैस छोड़ी, क्या ये पता चलता है जिस तरह से रेलवे स्टेशन बन के और उनको घेर घेर के मारा, घेर घेर के मारा, घेर घेर के मारा। अरे वो मोमबत्ती लगा देती तो इनके बाप का क्या जाता था। मोमबत्ती तो कुछ लोगों को मोमबत्ती पसंद नहीं आती, पर मैं ये मानना था कि मोमबत्ती एक अपने दुख का, अपनी भाव का, भावनाओं का प्रकटीकरण है, और वो प्रकटीकरण कर रहे थे, वो न्याय की मांग कर रहे थे। और ये उनका कहना था कि आज के बाद इस तरह में इस देश की कोई घटना नहीं हो, इसलिए अपराधियों को तुरंत फांसी की सजा होनी चाहिए। वही इस पूरे वारदात पर अन्ना हजारे से भी बात की गयी।
जिस लड़के पर गैंग रेप हुआ था, कोशिश काफी हुआ लेकिन उनका देहांत हो गया। उनके जाने से हम सब देशवासियों ने, सरकार ने सबक सीखना जरूरी है। सरकार ने यह सबक सीखना चाहिए कि ऐसे गैंग रेप प्रकरण जब होता है, ऐसे लोगों को फांसी या जन्म ठेप की सजा का कानून अगर बनता तो आज जो हादसा हुआ वो नहीं होना था। आगे तभी जल्दी से जल्दी कठोर कानून बनना चाहिए, ऐसे लोगों को तो फांसी चढ़ाना चाहिए, तब उसका डर लगेगा। अभी जो लड़के का देहांत हो गया, लेकिन मेरी विनती है सब युवा जनता से कि शांति बनाए रखना है, कोई राष्ट्रीय संपत्ति का कोई नुकसान नहीं करना, लोगों को तकलीफ हो ऐसे वर्तन नहीं करना, हम शांति बनाए रखना है। और ऐसे फिर से दोबारा ना हो इसलिए हम जागरूक रहना है, हम सब मिलकर जागरूक रहे तो ऐसा हादसा फिर से नहीं होगा। तो मेरी विनती है सबसे कि आप शांति बनाए रखना। जिस प्रकार पीड़ित युवती ने आम और खास नागरिकों को जोड़ दिया है, उसे सरकार भी हरकत में आ गई है। फिलहाल देखना ये होगा कि सरकार की नीतियों के विरोध में जन आंदोलन होने के बाद सरकार जनता की कितनी सूद लेती है और कब बनेगा बलात्कारियों के खिलाफ कड़ा कानून।